हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज। चलिए, पलायन जारी है और ये बहुत बड़ी लाचारी है इस वक्त कि इसको रोकने में पूरी तरह से नाकामयाब हो रहे हैं। हालांकि इसको पूरी तरह से रोकना जरूरी है और सरकार अपनी तरफ से बहुत सारे कदम उठा रही है। जहां बसेस की सुविधा है वहां बसेस के थ्रू ट्रेन, स्पेशल ट्रेन चलाए जा रहे हैं। तो क्या अब धैर्य टूटने लग गया है? क्या अब सब्र के बांध टूट गए हैं? इसलिए सरकार की इन तमाम कोशिशों के बीच भी, लॉकडाउन के बीच भी, पलायन करने के लिए पैदल मजबूर हैं मजदूर हैं। चलिए, तो आप हमें फोन करिए और हरियाणा की आवाज में बताइए कि आपके इलाके के आसपास भी क्या आप देख रहे हैं कि लोग इसी तरह से पलायन कर रहे हैं? क्या आप भी कहीं फंसे हुए हैं? वो भी आप जानकारी हमारे साथ साझा कर सकते हैं, क्योंकि सरकारें कोशिश कर रही हैं लेकिन श्रमिकों की संख्या बहुत ज्यादा है, इसलिए थोड़ा वक्त लग सकता है। इसलिए हरियाणा न्यूज भी ये आग्रह कर रहा है कि पैदल पलायन न करें। हमने औरंगाबाद का वो दर्दनाक हादसा भी देखा है और बहुत सारे और मामले सामने आए हैं। लोग पैदल जा रहे हैं हजारों किलोमीटर्स तक, ये बहुत खतरनाक हो सकता है। ज्वाला प्रसाद हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, बोलिए ज्वाला जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका और आपकी पूरी हरियाणा न्यूज टीम का जी, हमारी नागा बाबा पूर्णानंद मंगलानंद सेवा समिति नंदगांव की तरफ से जी। सबसे पहले तो मैं हरियाणा न्यूज के माध्यम से उन मजदूरों की आत्मा को शांति श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहूंगा, जो कि बहुत ही उनके परिवार के दुख भरा दर्दनाक हादसा हुआ है। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे और उनके परिवार को दुख सहन करने की शक्ति दे। और रही बात सरकार की, आवाज आ रही है जी? जी जी जी, बोलिए सर, सुन रहे हैं आपको। मैं ये कह रहा हूँ, मजदूर का जो फुल फॉर्म होती है वो बहुत ही एक कॉस्टली, एक एक इसका बहुत ही कॉस्टली वर्ड होता है। मैं से होता है माँ, एक माँ का रूप कितना होता है, माँ पार्वती, बहुत ही ममता भरी इसमें करुणा होती है। जैसे ज्वाला माई की लो होती है, वैसे ये मजदूर फैक्ट्रियों में अपना तन को जलाता है, जो शिक्षक गुरु जलाता है वैसे ज्वाला माई की तरह जलता रहता है। जैसे देव में देव महादेव जैसे विष पिया था, ऐसे ही मजदूर विष पीते हैं। और रह से राम का रामेश्वर जो एक कल्याण करके सीता माता जी का वापिस लंका से भारत देश में लाई गई थी सीता माता जी सम्मान पूर्वक, एक मजदूर के हर वर्ड में एक बहुत ही गंभीर से गंभीर शब्द छिपे हुए हैं। तो इनके अर्थ सही अर्थ, इनके परिवारों पर क्या बीत रही है सरकार को तो पता नहीं। ये मंत्री जो मोस्टली एमएलए हैं, मंत्री हैं, लाल बत्तियों में गाड़ियों में घूमना और अपना ये करना वो करना, इनको तो गरीब जनता से मोस्टली नेताओं को कोई पता नहीं होता, ना कोई लेना है ना देना। आपने मजदूर वर्ड को जितने अच्छे से एक्सप्लेन किया, आपका बहुत शुक्रिया। मजदूरों की महत्ता हम सबको समझनी होगी और उनका शुक्रिया अदा हमको करना पड़ेगा, क्योंकि उनकी मेहनत से ही कुछ लोग करोड़पति अरबपति हो जाते हैं, उनकी मेहनत से ही हम तक चीजें पहुंचती हैं। बहुत शुक्रिया आपका। पवन है अम्बाला कैंट से हमारे साथ, बोलिए पवन। ये मोदी जी ने मजदूरों के साथ बहुत बुरा किया है जी। इन्होंने छोड़ा पहले 10 दिन पहले इन सबको सेट करके एक दूसरे की जगह पहुंचा के अपने घर में फिर लॉकआउट करना था। ये ट्रंप के स्वागत के लिए लगे रहे, पुश करके अपना देश सारा खत्म कर दिया ट्रंप के करते। ट्रंप के स्वागत में जो 10 दिन लगाए वो इनको सेट करते। WHO ने तो 30 जनवरी को ही बता दिया था कि ये कोरोना महामारी फैल गई है। ये ट्रंप के स्वागत में पूरा देश बर्बाद हो गया। चलिए, शुक्रिया आपका सर। लेकिन इसके बहुत सारे पक्ष हैं, बहुत सारे पहलू हैं। लॉकडाउन हमने सही समय पे किया और ठीक है, सबकी अपनी अपनी अपना अपना मत है, लेकिन ज्यादातर एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि सही समय पे सही तरीके से ही लॉकडाउन हुआ। इसको बहुत ज्यादा प्लान करते तो मुश्किल हो सकती थी। अंग्रेज हैं अगले कॉलर हमारे साथ, बोलिए बोलिए सर। चलिए, फोन डिस्कनेक्ट हो गया है। आप दोबारा हमारे साथ जुड़ सकते हैं और मजदूर सड़कों पर पैदल
बहुत दूर बहुत दूर बहुत दूर तक ट्रैवल करने के लिए घर से निकल पड़े हैं। ऐसा ना करें आप, ये हरियाणा न्यूज भी आपसे गुजारिश कर रहा है। प्रशासन, सरकार, तंत्र सब लगे हैं। हो सकता है कि तादाद बहुत ज्यादा है इसलिए थोड़ा वक्त लग रहा हो, लेकिन आप खुद को खतरे में मत डालिए इस तरह से पैदल ट्रैवल करके, पैदल आप घर जो जा रहे हैं, ये खतरनाक है, बहुत ज्यादा खतरनाक है, आपके लिए भी बहुत खतरनाक है, इसलिए ऐसा ना करें, ये हम गुजारिश कर रहे हैं आपसे। रूपा है अगली कॉलर हमारे साथ, बोलिए रूपा जी। जी हमें सर, हमें उत्तराखंड जाना है जी। तो एक्चुअली हम फॉर्म भी भर चुके हैं और फिर वो कोई उसकी सुनवाई नहीं हो रही है, तो फिर कैसे जा पाएंगे हम? आप कहाँ फंसे हैं? हम हरियाणा से बोल रहे हैं। हरियाणा में कहाँ फंसी हैं आप? शहर कौन सा है आपका? हाँ जी, शहर कौन सा है आपका? हरियाणा। हरियाणा तो राज्य हो गया, कौन से शहर में फंसे हैं आप? हम हरियाणा में है, हमें उत्तराखंड जाना है। ठीक है, स्थानीय प्रशासन से आप जरूर संपर्क करिए। देखिए तादाद ज्यादा है, आज भी बहुत सारे बसेस जो हैं वो गुरुग्राम से भी निकले हैं और तादाद ज्यादा है, इसलिए हो सकता है अभी आपका नंबर नहीं आया हो, लेकिन आप स्थानीय प्रशासन को एक बार फिर से कांटेक्ट करिए, वो जरूर आपको घर भेजेंगे, क्योंकि सरकार इस तरह से सबकी मदद कर रही है। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। राज है हमारे साथ अगले कॉलर रेवाड़ी से, बोलिए राज। न्यूज की पहल पर हमारे साथी रेवाड़ी से पूर्व जिला प्रमुख सतीश यादव ने एक महीना लगातार इन मजदूरों की सुरक्षा के लिए इनके बढ़िया तरीके से भोजन की व्यवस्था की और हर रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट के हर कोने में, हर वार्ड में सतीश यादव ने इनके लिए भोजन का प्रबंध किया। और जो मजदूर हमारे पास आते थे, हम उनको बताते थे भाई अपना रजिस्ट्रेशन करवाओ और अपने हर डिस्ट्रिक्ट में जाने के लिए उनकी जो भी समस्याएं होती थी, उनकी समस्याओं को हम आगे प्रशासन को बताते थे और प्रशासन ने हमारे साथ बिल्कुल बढ़िया तरीके से खाना, हमने जितने दिन एक महीना इनको मुहैया करवाया और उनको सबको ये बताया कि भाई अपना रजिस्ट्रेशन करवाओ और अपनी अपना शहर का नाम लिखो, प्रशासन को बताओ। हमारे जो पास मजदूर रहते थे सबने अपना रजिस्ट्रेशन करवाया, आज वो सब जा चुके हैं। कोई 10-5 जो यहाँ लोकल रहने वाले मजदूर है वो बचे हैं, उनके भी हमने जो सरकारी खाना आ रहा है उनका नंबर बताया और हमने एक महीना सतीश यादव की अगुवाई में। चलिए बहुत शुक्रिया सर आपका, आप जैसे लोगों की बहुत जरूरत है इस समाज को और आप जैसे लोग इस तरह से मदद करते हैं, इस तरह से जागरूकता बढ़ाते हैं तो लोगों का, मजदूरों का भी भला होता है और प्रशासन को भी मदद मिलती है। ये चर्चा, ये बातचीत हम जारी रखेंगे इस छोटे से ब्रेक के उस पर भी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज बात मजदूरों की कर रहे हैं, बात मजदूरों के पलायन की कर रहे हैं, बात उनकी मजबूरी की कर रहे हैं और बात प्रशासन की कोशिशों की कर रहे हैं। आपके आसपास भी क्या आप देख रहे हैं कि मजदूर पलायन कर रहे हैं? तो आप हमें फोन कर सकते हैं, फोन करके बता सकते हैं। और बड़ी तादाद में मजदूर जो हैं वो ट्रैवल कर रहे हैं, पैदल जा रहे हैं, लेकिन हम हरियाणा न्यूज़ के माध्यम से लगातार आपसे आग्रह कर रहे हैं कि जल्दबाजी मत करिए, अपना धैर्य, अपना संयम मत खोइए, क्योंकि आपने बहुत धैर्य के साथ इतने दिन बिताए हैं। पैदल इतना लंबा सफ़र करना बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है और ऐसे में आप सबको अपना ख्याल रखने की ज़रूरत है। हरियाणा की आवाज में आज चर्चा हम आपसे यही कर रहे हैं। रामगिरी हैं हमारे साथ, बोलिए रामगिरी जी। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो ये मजदूरों की जो अभी दुर्दशा हो रही है, ये सरकार की नाकामी का फेल है। इनको पहले से ही पता था, इन्होंने ना तो कोई इनके लिए कोई भोजन की व्यवस्था की। देश की रीढ़ की हड्डी होते हैं मजदूर और आज इनके साथ कैसा व्यवहार हो रहा है। इनके परिवार भूखे रोटी तक नहीं है, इलाज के पैसे तक नहीं इनके परिवारों के पास।
और देश का निर्माण करने में अहम भूमिका निभाते हैं। हर क्षेत्र में काम करते हैं ये, अपना तन मन वो करते हैं सेवा तन मन धन से। और फिर आज इन मजदूरों की जो आवाज आ रही थी, जी 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 सुन पा रहे हैं सर आपको, हाँ बहुत शुक्रिया आपका। मजदूरों की जो मजदूरों की हालत सच में इस वक्त चिंता का विषय है और सरकारों के लिए भी चिंता का विषय है, प्रशासन के लिए भी है, लेकिन थोड़ा सा धैर्य और हम जो बाहर से आए हुए लोग हैं, मजदूर हैं, उनको कहेंगे कि थोड़ा धैर्य और रखिए, क्योंकि ये आपके लिए ही खतरनाक है। इस तरह से पैदल निकलना बहुत ज्यादा खतरनाक है। हरियाणा की आवाज़ में इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।